नमस्कार आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव हरियाणा में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है चुनाव में कहां कमी रह गई इसकी तलाश में लगी है वहीं विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी राजनीतिक दलों की नजरें उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर हैं हो भी क्यों ना उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से काफी अहमियत जो रखता है वहीं उपचुनाव की तारीखों का भले अभी हरियाणा अपनी -अपनी चुनाव के नतीजे आने के बाद 24 घंटे के अंदर ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने छह सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करके इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस पार्टी को असहज कर दिया जी हाँ हरियाणा में हार के बाद सपा कांग्रेस को तेवर दिखा रही है जिसके चलते अखिलेश यादव ने एक अलग ही राह चुन ली है देखिए ये रिपोर्ट हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस को लेकर चीजें बदल गई हैं महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के बाद अब यूपी में सपा ने कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है बता दें कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं ऐसे में सभी राजनीतिक जोर आजमाइश में लगे हुए हैं इसी बीच सपा और कांग्रेस के बीच तकरार की खबरें सामने आ रही है दरअसल कांग्रेस का कहना है कि आगामी उपचुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ेंगे लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी में दोनों का गठबंधन बना रहने की बात कह दी है दरअसल हाल में हुए में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस की हार हुई है इसके पीछे कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को सीट ना देकर अलग अलग चुनाव लड़ना बताया जा रहा है उनका कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस अगर सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो शायद जीत भी जाती कांग्रेस से गठबंधन में सीट न मिलने के कारण इंडिया गठबंधन की साथ ही समाजवादी पार्टी हरियाणा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाई वहीं हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद यूपी में इंडिया गठबंधन के राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं हालांकि इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी में सपा कांग्रेस का गठबंधन बना रहने की बात कहकर सभी कयासों पर पानी फेर दिया है जाहिर है सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सफाई में उपचुनाव को लेकर ज्यादा कुछ बात ना करते हुए कहा था कि यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन जारी रहेगा अखिलेश यादव के इस बयान के बाद यह माना जा रहा है कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दोनों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे हालांकि सपा बाकी बची चार सीटों में कितनी सीटें कांग्रेस को देती है ये देखने वाली बात होगी सपा के सूत्रों का कहना है कि सपा कांग्रेस को उपचुनाव में केवल एक या दो सीट दे सकती है हालांकि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उपचुनाव में पांच सीटों की मांग की थी वहीं सपा ने कांग्रेस को बिना बताए छह सीट पर कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी ऐसे में कांग्रेस पर इसकी क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखने वाली बात होगी फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत